शिव जोहार। आज हम तमाम आदिवासी युवा छिंदवाड़ा जिले के यहाँ एकत्र बैठे हैं तामिया के रेस्ट हाउस में। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आदिवासी समाज की बच्चियों को, बेटियों को जो पढ़ती है या नहीं भी पढ़ती है, उनको कैसे संरक्षित करें, सुरक्षित करें, क्योंकि आदिवासी बच्चियों के साथ लगातार हो रहा शोषण और अत्याचार, शारीरिक शोषण हो रहा है, कई प्रकार से शोषण हो रहा है, तो इसका समाधान हम कैसे करें और इस समस्या को लेकर आपके सामने हम आज वीडियो हमने प्रस्तुत किया। तो आप इस चर्चा को ध्यान से सुने। आज की हमारी चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ बता दूं, यहाँ तमाम आदिवासी समुदाय के युवा हैं। एक बार भाई खड़े होकर बता दो, पीछे भी हमारे सभी युवा साथी बैठे हुए हैं और आज की चर्चा को पूरे ध्यान से सुने। और तमाम माता पिता भी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक मम्मी पापा इस वीडियो को जरूर देखें और अपने जितने भी दोस्त भाई बंदी है, जितने भी रिश्तेदार है, सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज का वीडियो आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। तो मैं आपको बता दूं, हम आए दिन अभी आपने देखा देवास वाली घटना, जहां पर एक जनजातीय बच्ची, जी हाँ मैं जनजातीय इसलिए कहेंगे क्योंकि जनजातीय आप समझ सकते हो, ट्रैवल इज नॉट कास्टिज्म, ट्रैवल जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था को मानता ही नहीं है भी नहीं। तो अभी वर्तमान स्थिति ये है कि भाई आदिवासी जो बच्चियां हैं, हम छिंदवाड़े जिले में रहते हैं, हमारे ये सभी युवा जो है, जो लड़कियां गैर समाज की युवाओं के साथ घूमती हैं, जो उनका सिर्फ शोषण करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करना चाहते हैं, ऐसे लोग साथ घूमती है, तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि भाई जो भी कुछ करना, समाज की युवा के साथ घूमो, इस प्रकार की हरकत मत करो, समाज में बदनामी होगी, आपके मम्मी पापा सर उठा के समाज में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उनका जो रिएक्शन आता है वो आपको युवा लोग बताएंगे। भाई अगर किसी लड़की को आप समझाते हो, आपको जवाब क्या मिलता है? परिवार में लड़ाई करना, झगड़ा करना, है ना, या फिर जो युवा की झूठी रिपोर्ट डलवा देना थाने में, अब दूसरी सारी चीजें होती है, ये होता है नहीं लोगों के खिलाफ। अब आगे क्या होता है देखिए, उसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके पापा मम्मी हम युवाओं को बोलते हैं, अरे मेरे बेटी के साथ गलत हो गया, आपने तो एक्शन नहीं लिए। अरे जिस समय हम समझा रहे थे उस समय तो वो इस प्रकार की हरकत कर रही। यही घटना देवास में हुई है, नेमावर वाली घटना, हमारी मजबूरी है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं, तो भाई हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए ये घटनाएं लगातार हमारे समाज के बच्चों के साथ ये घटना लगातार घट रही है। तो हमारा मानना है कि जो भी परिवार या उनके माता पिता इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें और अपने बच्चों का संरक्षण करें, उनको अच्छी अच्छी चीजों से जोड़े। शादी का लोभ लालच देकर वो सबसे पहले शारीरिक शोषण करता है, उसके बाद बोलता है कि तेरी जॉब लगेगी तब ये शादी कर लूंगा। हमारा जो रिसर्च यही कहता है, बहुत सारे ऐसे बच्चियों का फोन आया जो आत्महत्या करने के लिए वो हो चुकी थी, बोले मेरे साथ लगातार सैकड़ों बार शारीरिक शोषण हुआ, उसके बाद सामने वाला युवा मेरे को बोल रहा है कि तेरी नौकरी लगेगी, तू आदिवासी जनजाति है, तेरी नौकरी लगेगी तब मैं तेरे से शादी करूंगा। अब बोले मेरी नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं करेगा, मैं क्या करूं। तो आत्महत्या तक कदम उठाने लगी थी ऐसी बच्चियों से हमने संपर्क किया, लेकिन मजबूरी है, हमें इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं आप तमाम जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों का दबाव बनाओ। एग्जाम्पल, मेरा नाम देवराबन गौंड है, अगर मेरे पापा मम्मी मेरे को बोलते हैं बेटा शहर गया है ना समाज की बच्ची के साथ ही शादी करना और हमारी थोड़ी इज्जत रखना, कुछ गलत कदम मत उठाना, तो मेरे को एक डर रहता है कि यार मैं कुछ गलत ऐसा ना करूं। लेकिन वर्तमान समय में ये होने लगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चे के ऊपर कभी दबाव नहीं बन रहे, वो ये बोल ही नहीं रहे कि समाज क्या होता है, गैर समाज क्या होता है। आगामी समय में भाई सबको पता है कि आदिवासी अपनी संस्कृति से जाना जाता है, आदिवासी की संस्कृति है, उसके रीति रिवाज है, तो वो आदिवासी कहलाता है। अगर उसने संस्कृति रीति रिवाज खो दिया तो आदिवासी रहने के काबिल नहीं। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे, दूसरे समाज से शादी करोगे, तो कहां से आपकी संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी नहीं तो खाक आदिवासी बचेगा। तो हर एक मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को सबसे पहले कंट्रोल करें। मोबाइल चलाती हैं, हमने कई लोगों को वीडियो कॉल में रात के 2-2 बजे रोड में घूमते देखा है, आदिवासी बच्चों को, वो जनजाति बच्चियों को, मैं उनको आदिवासी कहने में मुझे शर्म आ रही है। समझाते नहीं, दबाव नहीं बनाते। हम सब युवा जो है इसको लेकर देवास में जो घटना हुई है उसमें क्या हुआ था, एक राजपूत बंदे के साथ जनजाति बच्ची ने अवैध रूप से संबंध बनाए थे, अब उस राजपूत भाई की शादी होने लगी, उसमें रोड़ा बन रही थी, तो उसने क्या किया, इसको तो मारने के चक्कर में उसका एक भाई और 3 बहन को भी खत्म कर दिया और उसकी मम्मी को, 5 लोगों की वो हो गई। एक बच्ची की हरकत के कारण उसका पूरा परिवार को हाथ धोना पड़ा। अब इसमें आंदोलन कौन कर रहा है, हम युवा कर रहे हैं। चलो ठीक, गलत हुआ है, उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने ऐसा किया, तो वो उसके लिए तो हम बिल्कुल घोर विरोधी है और लगातार हमारा आंदोलन जारी, लेकिन हमें सबक लेना जरूरी है भाई। आखिर कब तक ऐसा होगा, आखिर कब तक एक माँ बाप अपने, और सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना, पढ़ने लिखने वाली बच्ची जो बस से आती है उनके, अरे यार घर में तक सुरक्षित नहीं है बेटी,
हमने कल ही एक बच्ची से बात किया, उसने बोले घर में तक ये मामला था, बस से आई तब भी कई बार ऐसा मामला हुआ, आखिर कब तक ये चलेगा? हम तमाम युवा इसको लेकर आक्रोशित है और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे युवाओं के पास इस बारे में फोन भी आया होगा। अगर इसको लेकर हर एक माँ बाप और हर एक बच्ची अगर इसको लेकर नहीं समझी ना, तो इसकी जवाबदार वो खुद होगी। कल को इन युवाओं को ये मत बोलना कि साले तुम्हारे समाज के लड़की के साथ ये हुआ और तुम लोग आ नहीं रहे। अरे वो बंदे समझ रहा है यार, हम रूम छिंदवाड़े में अतुल भाई है, भाई पवन है, मिथुन दादा है, संतराम जी, शिवराब है, तुलसी भी, अरे सब लोग हम लोग घूमते रहते हैं छिंदवाड़े और रूम पे देख रहे हैं। ऐसी गतिविधि में हमने जनजाति बच्चियों को देखा जो हम देखने के लायक नहीं थे, सहन नहीं होता उस समय। लेकिन बिल्कुल हम छोड़ के पढ़ने छिंदवाड़ा पहुंचा के हम बेफिकर हो जाते कि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम कभी फोकस नहीं, किससे मिल रहा है कभी फोकस नहीं किया। अगर इसको लेकर अभी भी अगर जागृत नहीं हुए तो आगामी समय में जो परिणाम मिलेगा वो बहुत विघटनकारी होगा हमारे समाज को खत्म करने के लिए। ये जो चीज है ना, ये सबसे बड़ी चीज रखेगी। अपने जितने भी दोस्त भाई बंदी सबको बताओ, समझाओ कि जो भी कुछ करना है गोत्र व्यवस्था के हिसाब से करो, नहीं तो अपंग बच्चे पैदा होंगे। और बहुत सारे हमारे युवा साथी है, अपनी अपनी बात रखेंगे चर्चा करते हुए। अच्छा अतुल दादा, इतने समय से आप जेनेटिक डिजीज भी ट्रांसफर होगी, हालांकि कौन गिरा दिया, कैसा आना, कैसा नस्ल है उसका, किस नस्ल का पैदा हुआ है वो। हाँ क्योंकि ट्राइबल जो ब्रीड है ना, ट्राइबल ब्रीड जो है ना, बहुत ही बढ़िया है। नहीं ट्राइबल ब्रीड कितना मस्त है यार, किसी को ज्यादा होता है, जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो जनसंख्या विस्फोट, और जो अंधाधुन विश्वास ना करें, ये भी बता दे लड़कियों को, घर समझ अंधाधुन विश्वास, अभी भी वक्त है कि, और एक सबसे बड़ा कदम ये है कि अब आदिवासी लड़कियां जनजाति लड़कियां किसी गैर समाज के लौंडे के साथ अगर घूमते दिखे तो उसका बहुत गलत